और आप यहाँ पे टच करते हो तो बाकी जितने सारे मोड्स है जो वीडियोग्राफी में यूज कर सकते हो, जैसे लूप हो गया, टाइम लैप्स है, वाईफाई यहाँ से ऑन कर सकते हो। और फिर अब मैं भागता हूँ और भागने के साथ देखते हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग की होती है। फिलहाल मैं दौड़ रहा हूँ। तो ये कैमरा कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये इसका हो गया फ्रंट लुक, ये लेंस, यहाँ पे स्क्रीन, और ये ब्लॉगिंग करने के लिए काफी बेहतर है क्योंकि आप अपना फेस और फिर स्क्रीन में क्या क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी अभी मेरा ना एक बहुत ज्यादा मोस्ट अवेटेड जो पार्सल था जिसका मैं करीब बहुत दिनों से वेट कर रहा था, फाइनली वो पहुंच चुका है। बहुत ज्यादा परेशान करने के बाद अभी भी मेरे हाथों में इसका करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, क्योंकि ये ओपन बॉक्स डिलीवरी में था। तो जो भाई साहब है जो डिलीवरी करने के लिए आए हुए थे उसने बॉक्स को ओपन करके दिया हुआ। तो फाइनली अब मैं आपको इसके बारे में जो जितने सारे पार्ट्स हैं वो सब अनबॉक्स करके दिखाऊंगा और कि क्या चीज़ है, क्या यूज़ है, मैं वापस आपके साथ वो भी शेयर करने जा रहा हूँ। तो एक सेकेंड रुक के फिर मैं इसका करता हूँ अनबॉक्सिंग। तो गाइस चलते हैं और करते हैं इसका फटाफट अनबॉक्सिंग, फिर आपके साथ शेयर करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है और किस काम का है। तो गाइस मिलते हैं। तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर आपको एक ये पेपर मिलता है जो कि बिल है, इसको बहुत ही संभाल के रखना है, पता नहीं वैसे जरूरत तो पड़ता नहीं पर रखना रखना है अभी। और इसको हटाते और ये हमारे सामने ये बॉक्स है, आपको तो देख कर पता चल गया कि इसके अंदर क्या होगा। जिन लोगों को पता नहीं है उसको बता दें, ये एक एक्शन कैमरा है जो कि अभी फिलहाल मेरे हाथ में है और इसी का करने वाले हम लोग इस वीडियो में इसका अनबॉक्सिंग और साथ ही साथ इसका रिव्यू करेंगे या फिर काम कैसा करता है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत दिन से इसके बारे में मैं सोच रहा था, वेट कर रहा था और बहुत इंतजार करवाने के बाद ये फाइनली ये प्रोडक्ट आज पहुंचा है। तो इसको लेकर कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। तो खोलना कहाँ से इसको? खोलिए ना। नहीं जी, खोला होगा यार, आप गलत जगह बता देते हैं। वाले तो ये इधर से बॉक्स के अंदर बॉक्स, तो एक डब्बा, दो डब्बा, ये तीसरे डब्बे के अंदर ये वाले सामान है। इसके ऊपर सामने में यहाँ पे आपको कैमरा लगा हुआ रहता है और वो इस तरह से बहुत ज्यादा हैवी है और इसके बीच में जो ये चिप, इसको शायद आई थिंक इस बॉक्स में ना इसको चिपकाया गया है तो जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है, खोलने के बाद आई थिंक खुलता नहीं है। तो फिलहाल हम लोग इधर से इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन से एक्सेसरी जो कि इसके साथ में मिलते हैं हमको। और जैसा कि डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था बहुत सारी चीजें रहती है पर किसका क्या क्या काम है वो पता नहीं। पहले सबसे ऊपर में आपको ये एक माइक्रोफाइबर जो कपड़ा है वो मिलता है ग्लास को साफ करने के लिए और कुछ टीदर्स हैं, पता नहीं सब इसका काम क्या है, आई थिंक वो बांध करके रखने के लिए ताकि गिरे उरे नहीं। और ये तीन ठो रिबन है मीन्स हाथ में यहाँ पे लगाने के लिए ताकि आप इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो इसमें फंसा के बना सकते हो। और ये एक माउंट है जो कि आप साइकिल में और फिर बाइक में लगा सकते हो। तो इसको मैं एक बार अरेंज करता हूँ और अरेंज करने के बाद आप देखो कि ये कैसा, कितने सारे चीजें हैं और क्या क्या है। और ये इसका बैटरी चार्जर जिसमें माइक्रो यूएसबी लगता है और ये इसका एक बैटरी, इधर एक रिबन। तो इतनी सारी चीजें, इतनी सारी एक्सेसरीज जो इसके साथ में मिलती है। कैमरा है वो इस खाली सी बॉक्स में छिपा पड़ा है और एक मेन और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं वो है इसका यूजर गाइड या फिर बोलो मैनुअल, इसको कैसे स्टार्ट करनी है और इसका क्या फंक्शन है उसके बारे में सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बारे में जब जरूरत पड़ेगी तो आपको भी बताएंगे और हम भी देखेंगे। इसको आप रखते हैं समेट के और अब फोकस करते हैं कैमरे पे। ओके, तो ये अब कैमरा करेंगे इसका अनबॉक्सिंग, मतलब ओपन करेंगे। ये खुला ऐसे और ऐसे ये आ जा बाबू। तो ये बहुत ही प्रीमियम और काफ़ी अच्छे क्वालिटी का लग रहा है जो कि इससे पहले जो एक्शन कैमरा कम क्वालिटी वाला था मैंने उसको देखा था वो बहुत हल्का लग रहा था। इसका वजन ही देख के लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हैवी है, करीब 100-150 ग्राम के आसपास आई थिंक वो जाना चाहिए। और इसका बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लग रहा है, पता नहीं गिरने के बाद टूटा तो नहीं चाहिए पर गिरा के भी देखेंगे। और गिरा के देखिए इसके साथ ये एक वाटर प्रूफ केस मिलता है जो यूज़ करेंगे। फिलहाल कैमरे में मैंने बैटरी डाल के रखा हुआ है पर एक प्रॉब्लम है, इसको अभी आप चालू करके देख नहीं सकते क्यों, क्योंकि इसके लगाना पड़ता था मैंने मेमोरी कार्ड, तो मेमोरी कार्ड इतना आया नहीं और मैं बिना मेमोरी कार्ड का एक भी फोटो क्लिक नहीं हो सकता। तो ये कैमरा कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये इसका हो गया फ्रंट लुक, ये लेंस, यहाँ पे स्क्रीन, और ये ब्लॉगिंग करने के लिए काफ़ी बेहतर है क्योंकि आप अपना फेस और फिर स्क्रीन में क्या क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सामने फ्रंट में आपको एक मोड बटन और एक और बटन मिलता है और इसके राइट साइड में यहाँ पे मिलता है ऑन और ऑफ का बटन। और इधर इस साइड में आप बड़ी सी स्क्रीन करीब 2 इंच की है तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ। ये स्क्रीन है, फिलहाल इसको ऑन करते हैं और ऑन करने के लिए इस बटन को आपको प्रेस करके रखनी होती है आई थिंक 2 से 3 सेकंड तक, करते ही ऑन हो गया, बहुत ही ज़्यादा फास्ट था। बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें चूंकि मैंने मेमोरी कार्ड इंस्टॉल नहीं करा है इसके वजह से चीज़ें इसमें आ नहीं रही है। पर ये बहुत ज़्यादा ब्लर ब्लर क्यों लग रहा है?
धुंधला धुंधला नहीं लग रहा, कुछ पता नहीं चल रहा है इधर धूप के कारण, उसमें पेपर लगा हुआ कैमरे के लेंस। ओ अच्छा इधर, इसको तो मैंने हटाया ही नहीं है। ओके अब ये शायद ठीक दिखेगा। हाँ ये पर स्क्रीन बहुत छोटा है और इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा उतने अच्छे से कि इसमें क्या आ रहा है या नहीं आ रहा है। दिख रहा है कि नहीं जी? इधर दिखाइए ना थोड़ा इधर। अरे कैमरा कैसे ऑन होगा यार, ये वाला स्क्रीन कैसे आएगा? इसको भी हटा ही देते और इसको कोशिश करते हैं पीछे बैक ले जाने का। ये तो वाईफाई ओपन, हमको क्या काम उसे यहाँ से एम करना है, एम से की होता है मीडियम करके देख लेंगे। तो अभी मैंने इसमें मेमोरी कार्ड डाल रखी और अब मैं इसका सेटिंग्स में देखता हूँ कि क्या क्या है। तो सेटिंग में सबसे पहले आपको वीडियो रेजोल्यूशन आता है जो कि 4K 30fps पे और इसका सबसे मैक्सिमम क्वालिटी है, और उसके नीचे आपको 2.7K 60fps पे देखने को मिल जाएगा जो ये रिकॉर्ड कर सकता है। फिर ये और क्या कहता है, फिर 2.7 का 30fps और इससे लेकर के एकदम लोवेस्ट जो है आपका सबसे कम वो है 720px 60fps और इसके ऊपर आपको 720 120 पिक्सल पे, और फिर यहाँ पे 720 जो है 240fps पे देखने को मिल जाएगा। यानी कि इन सब पे आप जैसे स्लो मोशन करोगे तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर आएगा। फिर 1080 यानी कि फुल HD क्वालिटी में आपका क्या आ जाएगा, 30fps 60fps और 120fps। और इसमें आपको साउंड्स के लिए चाहो तो आप इसमें बीप आउट्स आवाज़ लगा सकते हो, जैसे मैं अभी ये बूट करो तो साउंड ऑफ ऑन हो सकता है। शटर के लिए ऑन ऑफ, ये इसको ऑफ कर देने के बाद में टच करने के बाद साउंड नहीं आएगी, और ये बूटअप साउंड है और ये शटर के लिए साउंड था। फिर नेक्स्ट में आपको माइक्रोफोन अटैच करने के लिए भी मिल जाता है, फिलहाल इसमें इनबिल्ट ही है उसी से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल माइक जो कि आप अटैच कर सकते हो, और उसके बाद दूसरा है इसमें एंगल, कितनी एंगल तक ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकती है और इवन फोटो ले सकती है। तो उसके लिए आपका सबसे लॉवेस्ट नैरो है जिसमें आई मीन 70 डिग्री के आसपास ये करती है, और उसके बाद मीडियम है, वाइड है और ये सुपर वाइड है। उसके बाद ये डाइविंग मोड है, यानी यदि आपको इसका वाटरप्रूफ मोड ऑन करनी हो, आप डाइविंग वगैरह करते हो ज़्यादा देर तक और ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा देर तक और ज़्यादा डेप्थ तक आप यूज़ करने वाले हो उसको पानी के अंदर में, तो आप डाइविंग मोड ऑन कर सकते हो। नेक्स्ट का इफेक्ट, इसमें आपको नॉर्मल नेचुरल ब्लैक एंड वाइट और नेगेटिव वार्म और ब्राइटनेस कंट्रास्ट, इतने सारे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं इसमें इफेक्ट में। और नेक्स्ट है ड्राइविंग मोड, यानी कि जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तो उसके लिए भी आपके पास ड्राइविंग मोड दिया हुआ है। इसको ऑन करने से जो आपका आई थिंक स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, इसको मैं बाद में आपको ड्राइविंग करके भी दिखाऊंगा। और उसके बाद और है अपसाइड डाउन, यानी कि ये करने के बाद जो है वो आपका जितनी सारी लिखी हुई चीज़ें वो उल्टा हो जाती है, जैसे कि देखो अपसाइड डाउन सारा कुछ ऑपोजिट हो गया, और इसको ऑफ कर दो तो फिर जैसे था वैसे हो जाएगा। और भी फीचर्स है, स्क्रीन सेवर यानी कि 1 मिनट तक आप लाइट ऑन रखते हो, स्क्रीन सेवर ऑन करने के बाद ऑफ कर दो तो ऑफ हो जाएगी। और लास्ट में डिटेन टाइम है, यानी कि आप जब वीडियोस रिकॉर्ड करते हो तो उसमें आपको डिटेन टाइम का जो है वो सारा कुछ लिखा हुआ रहेगा, डेट एंड टाइम। बाकी लैंग्वेज है, आप बहुत सारे डिफरेंट लैंग्वेज में इसको यूज़ कर सकते हो। इसमें हिंदी लैंग्वेज नहीं है, बाकी चाइनीज इटालियन वगैरह बहुत सारे कुछ, पर जो मेन यूज़ का वो इंग्लिश रहेगा। और फॉर्मेट कार्ड है, आप चाहो तो इसमें जो मेमोरी कार्ड लगी उसको फॉर्मेट कर सकते हो। और सिस्टम की बात करें तो इसका सिस्टम में आपका फैक्ट्री रीसेट, आप इसको रीसेट कर सकते हो। दूसरा सिस्टम इन्फो, यहाँ पे देखो आप ये इसका मॉडल नंबर और वर्जन लिखा हुआ है। और नेक्स्ट इसका कार्ड इन्फो, यानी जितने आप जो आप कार्ड लगाते हो उसका जो ये स्पेस है उसको इसमें यहाँ पे कितनी कैपेसिटी और कितनी फ्री स्पेस है वो इसमें आपको मिल जाएगा देखने को। और मैं बैक जाऊँ तो ये सेटिंग था, और अभी मैं फिलहाल 4K ऑन किया हुआ है। और आप यहाँ पे टच करते हो तो बाकी जितने सारे मोड्स है जो वीडियोग्राफी में यूज कर सकते हो, जैसे लूप हो गया, टाइम लैप्स है, वाईफाई यहाँ से ऑन कर सकते हो, और फिर लाइव टेलीकास्ट आप मोबाइल पे देख सकते हो। फिर फास्ट मोशन, स्लो मोशन, सेम आपको फोटो में भी देखने को मिल जाएगा। फोटो के लिए सिंगल बर्स्ट फोटो, टाइम लैप्स फोटो, सेल्फ टाइमर और लॉन्ग एक्सपोजर जो फोटोज है वो आप यहाँ से कर सकते हो। और यदि आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो और जितने सारे फाइल्स होंगे वो लोडिंग ले लेगा। मैंने 128 SDB का स्टोरेज यानी कि चिप लगा के रखा हुआ है मेमोरी कार्ड, तो इसकी वजह से लोडिंग लेने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है। तो ये देखो वीडियो रिकॉर्डिंग जो हमने कराया था वो सारा कुछ यहाँ पे है ये, और इवन इसमें स्पीकर भी लगी हुई है तो आप इसमें जो साउंड्स है उसको भी सुन सकते हो। और फोटो यदि देखनी है आपको तो फिर आप यहाँ पे क्लिक करो, और उसके बाद फोटोज़ के लिए यहाँ पे देखो ये करो, और जितने सारे फोटोज आपके फ़ोन में होंगे वो फटाफट लोड हो जाएंगे और आप फोटो क्लिक
कर सकते हो। चलिए इसको हटाते हैं और अभी ये ऊपर में आपको सारे सिम्बॉल्स देखने को मिल रहा होगा। अभी इसमें स्टेबलाइजेशन ऑन है इसलिए आपको ये साइन दिख रहा है और ये फास्ट मोड का साइन है। यहाँ पे एक्सटर्नल माइक ऑन है, सॉरी माइक फिलहाल ऑन किया हुआ है इसलिए माइक का साइन, ये बैटरी का साइन हो गया और यहाँ पे वीडियो का साइन चूँकि मैं वीडियो क्लिक कर रहा हूँ। और यदि आप वीडियो आपको यदि फोटो लेना हो तो आप ऐसे एक बार स्लाइड करो तो ये ऑटोमेटिकली फोटो मोड में आ जाएगी। और फिर कितने सारे फोटोज इसमें सेव हो सकते हैं इस क्वालिटी पे, तो 9999 जो भी है रिटर्न है। और फिर आप वीडियोग्राफी के लिए करना चाहते हो तो उसको स्लाइड करो और कितने घंटे तक चिप में रिकॉर्ड हो सकती है मेमोरी कार्ड में 4K क्वालिटी पे, तो वो लिखा हुआ है। अब मैं 4K से इसको कन्वर्ट करके कर देता हूँ, क्वालिटी को चेंज करता हूँ 4K से, वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो कम करके मैं ले आता हूँ 1080 60 FPS पे। तो अब देखते हैं कितने आवर तक ये रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अब देखो ये 7 hours and 30 minutes के आसपास जो है आप इसमें रिकॉर्डिंग कर सकते हो इस क्वालिटी में। और एक और चीज़, अब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं हम क्या क्या आपको ये देखने को मिलता, तो रेजोल्यूशन हो गया, रिकॉर्ड हो गया, आपको यहाँ पे इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाएंगे। अरे यार आ जाओ, तो इमेज स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, यहाँ से आप EIS जो है ऑन कर सकते हो ऑफ कर सकते हो, तो मैंने इसको ऑन ही रहने देता हूँ अभी। और फिर इसके बाद आपको जो देखने को मिलती है वीडियो क्वालिटी है, तो वीडियो क्वालिटी हाई मिडल और लो कर सकते हो आप। और दूसरा विंड नॉइज रिडक्शन दिया हुआ, ये बहुत खास चीज़ है जब आप स्पीड में बाइक से जा रहे हो और तो विंड का जो है वो स्पीड आपको और उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी कम सुनाई देगी, तो ये विंड आपका नॉइज रिडक्शन कर सकते हो। फिर डेट का स्टाम्प है, यदि इसको आप ऑन कर देते हो डेट तो आपका जो वीडियो है उसमें डेट भी दिखाई देगा, और डेट एंड टाइम कर देते हो वीडियो में डेट एंड टाइम जो है आपका वो आना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइस मैं सिर्फ आपके लिए अपने करेजे पे पत्थर रख करके इसका वाटर टेस्ट करने जा रहा हूँ। मैंने इसको कल ही मंगवाया है और इसका वाटर टेस्ट करने जा रहे हैं। और तो मैंने नल ऑन कर लिया और ये देखो मैं पानी उसके पास डाल रहा हूँ, तो ये मैं इसको दो दे रहा हूँ पानी में डाल करके, तो काफ़ी ज़्यादा मेरा हार्ट बीट बढ़ा हुआ है, टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा, बट आई होपफुली सब कुछ अच्छा ही हो। तो मैंने बिल्कुल उसको पानी में डाल के रखा हुआ है, उसमें सारे जगहों से पानी इसमें घूस रहा होगा शायद, देखते कैसा इसका रिस्पॉन्स आता है। पूरे YouTube में इसका वाटर टेस्ट का एक भी वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। और तो गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और भी किस तरह के क्वेरीज के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बिल्कुल सपोर्ट करें इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए, काफ़ी ज़्यादा हार्ट बीट को रोक देने वाली इस टाइप की वीडियोज़ के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब भी करें। तो अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसमें स्टेबलाइजेशन ऑन किया हुआ है और सारे कुछ वो हिल रहे हैं, तो ये क्वालिटी है इसका। और ये जो रेजोल्यूशन है वो अभी है 4K 30 FPS पे, तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अभी देखो मुझे कोई खास ज़्यादा चेंजेस नज़र नहीं आ रही क्योंकि स्क्रीन बहुत छोटा है, तो सब कुछ एक ही जैसा हमको देखने को मिल, सब कुछ एक ही जैसा हमको देखने को मिल रहा है। ये 4K 30 FPS अभी मैं आपको, ये है 2.7K 30 FPS पे, जो भी रेजोल्यूशन पे आप रिकॉर्ड करते हो वो सभी कुछ आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाता है कि किस रेजोल्यूशन पे आप रिकॉर्ड कर रहे हो। और सबसे खास बात ये है कि अभी इसका स्टेबलाइजेशन ऑन किया हुआ है और वीडियो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, लेकिन ये जो है सिर्फ लो लाइट, सिर्फ डे लाइट में ही इसका आप यूज़ कर सकते हो, लो लाइट में जो है इसका क्वालिटी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। स्टेबलाइजेशन इसका ऑन किया हुआ है, मैं अभी मूव कर रहा हूँ और अब मैं भागता हूँ और भागने के साथ देखते हैं कि कैसे रिकॉर्डिंग इसकी होती है। फिलहाल मैं दौड़ रहा हूँ और ये इसका स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो। कैमरे की 5 पॉजिटिव्स की बात करें, प्रॉस की बात करें, तो इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी से मिल जाएगा 4K रिकॉर्डिंग 30 FPS पे देखने को मिल जाएगा, साथ में इसका स्टेबलाइजेशन जो वो काफ़ी बेहतर है। और इसके साथ आपको दो बैटरी का चार्जर आपको मिल जाएगा, ड्यूल बैटरी चार्जर और ड्यूल बैटरी, और साथ ही साथ ड्यूल स्क्रीन भी देखने को मिल जाएगा। आप ब्लॉगिंग करना चाहते हो, ब्लॉगिंग करने के लिए मोटर ब्लॉग के लिए काफ़ी बेस्ट कैमरा हो सकता है। और ये फिलहाल आपको अमेज़न पे देखने को नहीं मिलता, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से परचेज़ कराया है और फ्लिपकार्ट पे आपको काफ़ी सारे डिस्काउंट्स भी आप अप्लाई कर सकते हो इसमें और इसको परचेज़ कर सकते हो। ये एक कंसिडर करने लायक जो आप कह सकते हो एक्शन कैमरा है। ये अभी सुपर वाइड मोड पे रिकॉर्ड हो रही है और इसमें स्टेबलाइजेशन ऑन है, और सुपर वाइड मोड में 1080 पिक्सल 120 FPS पे आप इसको वाइड एंगल यूज़ नहीं कर सकते हो, जैसे ही आप 120 FPS पे सेलेक्ट करते हो तो जो वाइड एंगल है उसका ऑप्शन नहीं आता है, और
1080 पिक्सल पे 60 fps पर आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो, उसमें आपको स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ वाइड एंगल जो है उसके में भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। और ये देख सकते हो अभी की क्वालिटी कैसा, अभी दिन के दोपहर का टाइम है, आसमान पूरा साफ है, धूप काफ़ी तेज़ है और अभी का सीन देखो कुछ इस प्रकार से। और इसकी एक और ख़ास फीचर्स ये है कि ये जो एक्सटेंड कैमरा है विदाउट केस आप इसको वाटरप्रूफ थोड़ी पोड़ी पानी में इसको लेके जा सकते हो और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ है। और अभी ये जो रिकॉर्डिंग है वो 30 fps 4K पे हो रही है और ये आप देख सकते हो अभी स्टेबलाइजेशन भी ऑन है और विंड रिडक्शन भी जो है इसका ऑन किया हुआ है। अभी मैंने इसकी स्पीड जो है वो 4 times फास्ट कर दिए तो मैं भी आपको थोड़ी पूरी स्टेबलाइजेशन में थोड़ी पूरी रुकावटें देखने पा सकती है, तो वो आप कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फास्ट है 4 times, तो थोड़ी पूरी स्टेबलाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है।